उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप खूब का अमल करवाना चाहते हैं तो जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अगर आपके पास जो आज मैं वजीफा बताऊंगी, तो अगर आपके पास अपने प्यारे को बुलाने के लिए उसकी कोई तस्वीर है तो वो तो बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी भी है आपको इस अमल में। अगर तस्वीर है तो बहुत नायाब है, अगर नहीं तो तस्वुर ही काफी है। तो ये वजीफा आप लाजमन करें। जो आपका प्यारा जो आपसे नाराज है, रो चुका है, कहीं पर भी होगा आपके कदमों में आ गिरेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखें कलामे रब्बी का जो है गारंटी भी दे सकती हूँ, दावा भी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। लफ्ज जो सूरह मुबारक जो है इसका वजीफा है, सूरह है सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद का वजीफा है। कम से कम 441 मरतबा आपने पढ़नी है ईशा की नमाज के टाइम। पास एक पानी का ग्लास रख लें, ठीक है, पास एक पानी का ग्लास रख लें। अब जैसे जैसे ही आप 25 दफा, 50 दफा, 100 से पहले पहले आप ना पानी के ऊपर दम भी साथ साथ करते रहें, 100 से पहले पानी के साथ भी आप दम करते रहें। अब आपने पानी, ये जो अमल है कम से कम आप 3 दिन लाजिम करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितना इस अमल का असर है ये तो आपको जब आप अमल करेंगे और नियत खल के मतलब के आप अमल करें कि अल्लाह पाक को नाराज करने के लिए अमल ना करें, तो फिर देखिएगा इस अमल का कितना फायदा आपको होता। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यारा जो आपसे रूठ गया है, नाराज है, वो आपके पास नहीं आ रहा, तो जरूर ये अमल करें। उसका नाम लेके अमल करें, उसके तसव्वुर में लाके उसके ऊपर दम भी करते रहें, उसकी तस्वीर है तो उस पर भी दम करते रहें। जब आप 100 पर पहुंच जाएंगे, 101 पर पहुंच जाए, तो उसका नाम लें, उसकी वालदा का नाम लें, अपना नाम लें और अपनी वालदा का भी नाम लें, फिर ये अमल करें इंशाल्लाह। नियत अगर करना चाहते हैं तो पहले इसी तरह करें, पहले अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। देखिये तालिब और मतलूब, तलब करने वाले आप हैं तो पहले अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, और मतलूब जिसको आप बुलाना चाहते हैं तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम जो है आप पहले से ही ले रहे, ताकि आपको बार बार झुलसा है दम ना करना पड़े या नाम ना लेना पड़े ना, ठीक है। पानी भी आप प्रॉपर दम करते हैं। अब वो पानी झुलसा आधा आपने पी लेना है, आधा आपने पानी पी लेना है, आधा आपने देखें, आधा आपने पूरे अगर जिस रूम में आप रह रहे हैं वहां पे भी छिड़का सकते हैं, और या फिर आप कोई जैसे मैंने पहले भी एक पौधे का बताया था कि आप किसी भी फलदार जैसे दरख्त होता है, फलदार जैसे खुशबू वाला फूल वाला पौधा होता है, उसकी जो जड़ों में ना वो पानी को आप डाल दें आधा खुद पीकर, ठीक है। रोजाना आप ऐसे किया करें, कम से कम 3 से 7 दिन ये अमल करें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप बुलाना चाहते हैं, वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। और अगर आप हमसे मदद लेना चाहते हैं या हम आपकी मदद करें तो जरूर हमसे रब्ता करें और हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। अगर खुद का कोई भी मसला हो, कोई अपना नाराज हो, रूठ रहा हो, उसको मनाने के लिए आप अमल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरह की नया वीडियोज आप मिस ना कर सकें और आपको मिलते रहे। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।